नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ, वेताल 25। बहुत सी कहानियाँ हम आपको सुना चुके हैं, ये हमारी 23वीं कहानी है जो वेताल ने राजा विक्रम को सुनाई। कहानी थी कि योगी पहले रोया और फिर हंसा क्यों। कहानी थी कि कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था, उसमें राजा प्रद्युम्न नाम का राजा राज करता था और उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 वर्ष का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए, चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब जोर से हंसने लगा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ, उसे जीता देखकर सबके सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लग गया। इतना कहकर वेताल बोला, राजन यह बताओ कि वह योगी पहले क्यों तो रोया और फिर रोने के बाद क्यों हंसा। राजा ने कहा कि इसमें क्या बात है, वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिसने उन्हें बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, वह उसे छोड़कर जा रहा था, और हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में वेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम बिना जरा सा भी परेशान हैरान हुए मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुम्हें एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उसका जवाब देना। ये आखिरी कहानी होगी तो थोड़ा सोच समझकर अपना जवाब देना। इसके बाद वेताल चला गया और दोबारा जब राजा उसे पकड़कर लाया तो वेताल ने आखिरी कहानी सुनाई जो हम आपको अगली कहानी में, अगली बार, अगले एपिसोड में सुनाएंगे। और उस कहानी के बाद ये जो हमारी सीरीज है विक्रम और वेताल की, ये खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको कोई नई कहानी चाहिए या फिर नई कहानियों की सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आप कैसी कहानियां सुनना चाहेंगे। अगर आप किसी किताब को सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वह भी कर सकता हूं। जैसे बहुत पॉपुलर किताबें हैं रिच डैड पुअर डैड, उनका हिंदी अनुवाद मैं एक एक शब्द आपको इसी तरीके से सीरीज के रूप में सुना सकता हूँ। या फिर आपको कहानियाँ ही सुननी हैं तो वो भी मैं आपको सुना सकता हूँ। विक्रम वेताल की कहानियों के, जैसे राजा तेनालीराम की कहानियाँ, कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानियाँ, पौराणिक कथाएँ, या फिर आपको भूतिया कहानी सुननी हो तो ये सारी कहानियां, अगर आप जैसी कहानियां कहेंगे मैं आपको वैसी कहानियां आपको सुना दूंगा। आप बस बता दीजिए कमेंट में कि आपको कैसी कहानियां सुननी है। और उन कहानियों को सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के बाद अभी तक तो हमारी कहानियां ऐसे ही कभी हर तीसरे दिन थोड़ा टाइम का इशू हो जाता था, लेकिन आज के बाद हर दूसरे दिन रात को 9 बजे कहानियां हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही कहानियाँ अपलोड हों आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे आखिरी कहानी में विक्रम और वेताल के साथ। धन्यवाद।